अब आगे हम लोगों के हैं प्रॉपर्टीज ऑपरेशंस और मैं डेफिनेशन जो है वो आप लोगों को डिटेल से बताती हूँ यूनिट फाइव की ऑपरेशन विद इंटीगर देर आर फोर ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन इंटीगर्स यानी इंटीगर में कितने ऑपरेशन जो है वो आप यूज़ किए जाते हैं परफॉर्म करते हैं कारदगी दिखाता है अपनी आ, फर्स्ट पे है एडिशन सेकंड सब्ट एडिशन होता है प्लस सब्ट्रैक्शन माइनस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई uh, um, करना एंड वी एन डिवाइड तकसीम करना एडिशन ऑफ इंटीगर अ नंबर लाइन टू एड फोर एंड सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टेन अब जस्ट आगे हम लोगों ने स्टार्ट करना है कि जीरो से मूव किस तरफ करना है हमने सिक्स स्टेप्स टू राइट दैन फॉर्म सिक्स मूव फोर स्टेप्स टू द राइट विच इज़ द पोजिशन ऑफ टेन अब हमारी जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल्स भी बयान की गई हैं पेज नंबर है हमारे पास सिक्सटी फाइव नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ़ इंटीगर द रूल्स फॉर द एडिशन ऑफ इंटीगर्स, इंटीगर्स मे नाव बी समाइज एज फॉलो ये आप लोगों ने याद करनी है और अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी करनी है जस्ट आप लोगों ने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है और आगे उसकी एग्जांपल देनी है फर्स्ट है हमारे पास टोटल टेन प्रॉपर्टीज़ हैं रूल्स हैं मैन और एडिंग इंटीगर्स विद लाइक साइंस बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव यानी हम लोगों ने इंटीगर्स को जब ऐड करना है तो हम लोगों के जो उसके साइंस हैं चाहे वो दोनों के पॉजिटिव हैं या डविडी में एड देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज़ तो उनकी वैल्यूज़ को हम लोगों ने उसी तरीके से जो है वो ऐड करना है एंड यूज़ द तो कॉमन साइन फॉर द सम और जो उनका मेन साइन है यानी प्लस है तो प्लस ऐड करना है साथ तो माइनस है जिस तरह यहाँ पर एग्जाम्पल में दे दिया गया है कि यहाँ पर प्लस फोर प्लस नाइन है तो हम लोगों का आंसर आ रहा है प्लस थर्टीन जस्ट आप लोगों ने एक एक एग्जाम्पल देनी है नेक्स्ट हमारे पास रूल है कि उसमें क्या है कि एक प्लस होगा और एक माइनस का साइन होगा तो फिर उनका सब्ट्रेक्शन हम लोगों ने करना है और साइन अगर ग्रेटर uh, नंबर के साथ माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा एंड uh, थर्ड uh, है हमारे पास जिसम और टू इंटीगर जिस इंटीगर दो जो इंटीगर है उनका जमा भी इंटीगर ही कहलाता है फॉर एग्जांपल टू एंड थ्री आर इंटीगर एंड टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव इंटीगर ये हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीगर्स नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीगर्स सम ऑफ टू इंटीगर्स रिमेन अनचेंज इफ़ इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेज यानी इनकी जब दो का करते हैं हम एडिशन करते हैं थ्री प्लस फोर इज इक्वल टू सेवन है तो सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं उन्हीं की हम लोग जो है आ, वो उनको इंटरचेंज उनका यानी उनकी तब्दीली कर देते हैं फर्स्ट पे सेकंड वाला नंबर और सेकंड पे फर्स्ट वाला नंबर हम लोग ऐड कर देते हैं ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीगर्स नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीगर्स इफ थ्री आर मोर इंटीगर नी, एडिशन नीड नॉटरली नी नी वी कैरिड आउट इन द अदर इन विच दे हैव बीन रिटर्न डाउन इट कैन बी वेरीफाइड दैट यानी इनको हम तीन इंटीगर्स होते हैं थ्री और मोर इंटीगर्स यानी तीन या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं इनको हम ब्रैकेट से शो करते हैं फर्स्ट टू इंटीगर्स को सेकेंड लास्ट है हमारे आइडेंटिटी ऑफ इंटीगर्स इफ़ जीरो जीरो जो है वो ऐड होता है इंटीगर में द सम इक्वल द इंटीगर रिजल्ट और जो उनका जमा होता है वो इंटीगर के ही इक्वल आता है सेकेंड है एडिटिव इन वर्थ फॉर एवरी इंटीगर देयर एग्जिस्ट एंड इंटीगर दैट देयर सम इज़ जीरो यानी इंटीगर्स का एक प्लस होता है एक माइनस और सेम नंबर होता है तो उसका आंसर क्या आता है हमारे पास फॉर एग्जांपल उनका टू प्लस माइनस टू इज इक्वल टू तो ज़ीरो यानी टू प्लस माइनस माइनस एक प्लस का एक माइनस का कट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ज़ीरो नेक्स्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीगर सब्ट्रैक्शन इज एन रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन टू सब्ट्रैक्ट वन इंटीगर फ्रॉम अदर इसमें क्या होता है कि एक इंटीगर जो होता है वो दूसरे इंटीगर में से माइनस होता है ऑफ वन नंबर इज टू द अदर एक एडिटिव अनवर्स जब हम करते हैं तो एक नंबर दूसरे नंबर में ऐड होता है इन अदर वर्ड्स थ्री फ्रॉम फाइव इज इक्वल टू एडिंग माइनस थ्री टू फाइव माइनस थ्री फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव प्लस इन माइनस थ्री नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ़ इंटीगर्स यानी इसमें हम लोग मल्टीप्लाई का जो है यूज़ करते हैं और इंटीगर्स को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे अब इसकी एग्जांपल हमारे पास दी गई है माइनस फाइव मल्टीप्लाई थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव प्लस टू माइनस फाइव नेक्स्ट पेज है हमारे पास पेज नंबर इस पे हमारे कुछ रूल्स एंड प्रॉपर्टीज दी गई हैं ऑफ़ मल्टीप्लाइकेशन ठीक है ये है टोटल टेन प्रॉपर्टीज यानी रूल्स एंड प्रॉपर्टीज़ हैं तो ये लोग आप लोगों ने रीड आउट करनी है यानी आप लोगों ने फर्स्ट पे प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीगर ऑफ़ लाइक साइंस इज़ अ पॉजिटिव इंटीगर सेकंड में अनलाइक साइंस इज़ अ नेगेटिव इंटीगर फिर हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू आर मोर इंटीगर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज ठीक है थ्री थर्टीन मल्टीप्लाई माइनस यानी हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई uh, में साइन जो होते हैं साइन होते हैं वो प्लस माइनस माइनस हो जाता है और माइनस माइनस प्लस जैसे यहाँ पे हम लोग के एग्जांपल दे दी गई है सेकंड है हमारे पास क्लोज़र प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीगर्स यानी माइनस माइनस प्लस है तो हम लोगों ने साथ प्लस का साइन भी ऐड करना है इसमें सेकेंड हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीगर्स, इंटीरियर्स द्रोडक्ट ऑफ टू इंटीगर्स रिमेन द सेम इफ़ दे इंटरचेंज देर प्लेस यानी वो सेम होते हैं सिर्फ जस्ट उनकी जगह जो होती है वो चेंज कर दी जाती है तब्दीली आ जाती है उसमें द प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री और मोर इंटीरियर रिमेन द सेम इर रिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर इन विच द मल्टीप्लीकेशन इज कैरीड आउट फॉर एग्जाम्पल माइनस टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल टू यानी जब तीन दो या दो से ज़्यादा इंटीगर्स की मल्टीप्लैकेशन होती है तो जस्ट इक्वल के बाद उनके जो है वो उनको चेंज कर दिया जाता है तो फर्स्ट वाला जो इंटीगर होता है वो सिंगल में आ जाता है ये हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीगर्स इस तरह पेज नंबर सेवेंटी वन पर जितने भी लिखे हुए हैं आप लोगों ने कंप्लीट करनी है सेकेंड हमारे पास डिवीजन ऑफ इंटीगर्स यानी अब इसके यहाँ पे हमने डिवाइड करना है इसके भी रूल्स दिए गए हैं पेज नंबर सेवेंटी थ्री पे टोटल थ्री रूल्स हैं कि फॉर ऑल इंटीरियर लाइक साइंस द क्वेश्चन इज पॉजिटिव यानी जब हम इनको सॉल्व करें तो हमारा क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए अनलाइक साइन में क्वेश्चन जो होता है वो नेगेटिव होता है एंड द थर्ड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन इज फाउंड बाई डिवाइडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिवाइडेंट डिवाइडेड बाय द एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ़ द डिवियर यानी ये रूल्स और डेफिनेशन आप लोगों ने अपनी काफ़ी पर नोट डाउन करनी है हमारा यूनिट नंबर फाइव जो है वो कंप्लीट हो चुका है एम सी क्यू जो है मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन फाइव यानी आप लोगों को चार आंसर दे दिए गए हैं और आप लोगों ने एक जो एग्जैक्ट आंसर है वो आप लोगों ने टिक मार्क करना है उसको पेज नंबर सेवेंटी फ़ाइव इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है बुक के ऊपर ही फिर हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह अपने टेस्ट स्टार्ट करेंगे